हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने एक बॉक्स है और इस बॉक्स में एक माइक है जो कि वोया का M1 माइक है। तो आज इस वीडियो में हम इस माइक की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों इस माइक को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो माइक है मैंने फ्लिपकार्ट से काफी कम कीमत में खरीदा है और ऐसा माना जाता है कि जो वोया का M1 माइक है वो जो कम कीमत में मिलता है आपको ऑनलाइन वो दोस्तों असली नहीं होता है। तो दोस्तों हम इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि ये दोस्तों मैंने काफी कम कीमत में खरीदा है। और दोस्तों वोया का जो M1 माइक है वो आपको 4,500 से लेकर आपको 1,200-1,300 रुपए तक मिलता है। तो दोस्तों क्या सस्ता वाला जो होता है माइक वो असली नहीं होता है या होता है, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये जो वॉइस अभी रिकॉर्ड हो रही है वो इस माइक से नहीं हो रही है, वो दोस्तों मोबाइल से हो रही है। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेता हूं। यहाँ पर जो भी कुछ इस बॉक्स में आया था वो सभी हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर बॉक्स में कुछ और नहीं है। तो इसके साथ जो जो भी आया है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर माइक वोया का M1 आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों एक स्विच है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे आप दोस्तों चाहे तो बदल सकते हैं अपने कैमरा और स्मार्टफोन मोड पर। तो जो भी दोस्तों आप जिसमें भी इसे यूज करने वाले हैं, जिस भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में, उसके अनुसार आप इस स्विच का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो इसकी केबल है वो काफी ज्यादा दोस्तों पतली नहीं है, यानी इतने जल्दी डैमेज नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा जो यहाँ पर केबल है उसकी लेंथ जो बताई गई है, मेंशन जो करी गई है, वो 20 फीट है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो माइक है इस पे लगाने के लिए यहाँ पर एक फोम टाइप दोस्तों ये दे रखा है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसे आपको इसमें इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों हम इसे बाद में अच्छी तरीके से लगाएंगे, पहले सारे सामान हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बैटरी दी हुई है जो कि आपको इसमें डालना होगी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से खुल जाता है, अगर आप इसको घुमाएंगे इस तरीके से तो ये ओपन हो जाता है, देखिए ये। और यहाँ पर एक जगह दे रखी है, यहाँ पर आपको सेल यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि बैटरी आपको दोस्तों इसके साथ मिलती है, वो भी दोस्तों बॉक्स में ही आपको मिल जाएगी। तो इसे हमने दोस्तों इसमें लगा दिया है और अब इसे हम वापस से टाइट कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमने कर दिया। तो ये तो दोस्तों था माइक। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलती है एक क्लिप जो कि आपको अपने कपड़ों पर दोस्तों लगाना होगी, माइक जब रिकॉर्डिंग के दौरान आप जहां भी माइक को सेट करना चाहते हैं तो तब इसकी जरूरत आपको होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और कनेक्टर मिलता है, जो भी दोस्तों डिवाइसेस आपकी 3.5 mm जैक को सपोर्ट नहीं करती है उस कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे, इसके द्वारा दोस्तों आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक सिलिका जेल जो कि दोस्तों हर प्रोडक्ट के साथ आता है, तो इसे हम एक तरफ रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों यूजर जो गाइड है दोस्तों वो यहाँ पर दी हुई है, अगर आपको जरूरत लगती है कभी तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों वारंटी एक कार्ड है जिसमें दोस्तों बताया गया है किस तरीके से आपकी जो वारंटी है यहाँ पर इसकी कवर होगी या दोस्तों किस तरीके से नहीं होगी, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतना ही कुछ दोस्तों यहाँ पर है। इसके अलावा एक यहाँ पर पाउच आपको मिलता है इसे कैरी करने के लिए, तो दोस्तों इसमें भी और कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ माइक दोस्तों हमको मिला था। तो ये सब दोस्तों प्रोडक्ट जो है इसके साथ आए थे इस बॉक्स में, जिन्हें आपको यूज करना है। दोस्तों इस सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब हम इसे यूज करके देख लेते हैं कि ये दोस्तों ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं, यानी काम दोस्तों किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर दोस्तों केबल लेंथ मैंने आपको बता दी है, चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसे चेक कर लिया है, जो वोया M1 माइक है अपने स्मार्टफोन में भी और PC में भी। तो इसके संग क्या हुआ है वो आपको बता दूं, दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, ना ही मोबाइल में ना ही PC में कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें से कोई साउंड नहीं जाता है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एक फेक प्रोडक्ट है जो कि आपको इतनी कीमत में मिल रहा है, हालांकि इसकी कई बार रेटिंग दोस्तों काफी ज्यादा है। इसका कारण है कि ये बस चालू निकल जाता है कई बार, दोस्तों ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इसमें से किसी प्रकार का साउंड नहीं जा रहा है। अब दोस्तों ये डिफेक्टिव हो सकता है आपको लगेगा, लेकिन दोस्तों ये कई बार डिफेक्टिव भी नहीं होता, इसके बाद भी दोस्तों ये फेक प्रोडक्ट होता है, काम करता है कई बार। लेकिन अभी यहाँ पर जो ये दोस्तों बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और कहीं से डैमेज भी नहीं है, इसके बावजूद दोस्तों ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर बस दोस्तों ये एक स्विच दे रखा है, अब इस स्विच को हम ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर
एक ऐसा फील होता है कि साउंड आया मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो हल्का से दोस्तों एक साउंड आता है एक अजीब सा, बस वो वहां पर रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता। जब स्विच करते टाइम या कैमरा से आप स्मार्टफोन पर करते हैं या स्मार्टफोन से आप कैमरे पर करते हैं, तब दोस्तों थोड़ा सा आपको देखने मिलेगा। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे आप ये असली है या नकली। तो देखिए दोस्तों, काफी लोगों ने इसे खरीदा है, तो उसके विषय में मैंने देखा, तो वहां पर दोस्तों मैंने पाया कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पिन के संग ये कट लगे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ भी इसी तरह का है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसमें, दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी अगर आपको दिखता इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर बना है कट वाला, तो दोस्तों ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, नहीं तो दोस्तों ये नकली है। इसके अलावा एक और खास यहाँ पर आपको बता दूं, तो बॉक्स जो इसका है, आप अगर इसका बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा आप दिख रहे होंगे डॉट टाइप से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरे में दोस्तों आ नहीं पा रहा है, वोया के बाद एक हल्का सा डॉट दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं एक सर्कल के अंदर आर बना हुआ है। दोस्तों ये जो सर्कल के अंदर आर है वो ओरिजिनल वाले में नहीं है, डुप्लीकेट में जो है दोस्तों प्रोडक्ट आ रहा है उसमें है। इसके अलावा यहाँ पर जो बार कोड देख रहे हैं इस तरीके का नहीं है, रंगीन बार कोड है दोस्तों, ये नहीं आएगा, ये नकली में आएगा। ब्लैक वाला जो आता है दोस्तों टोटल ब्लैक रहता है, वो ओरिजिनल रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स लिखा हुआ है ये नीचे वाला, तो दोस्तों ये काफी बड़ा लिखा हुआ है, जबकि ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत छोटा टेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में है, वो ओरिजिनल वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कॉलर पर दोस्तों जो है काफी डार्क कलर की बनी हुई है, जबकि जो ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट है दोस्तों वो इतनी डार्क नहीं है, वो काफी ज्यादा लाइट कलर से बनाई गई है। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारे डिफरेंस है दोस्तों जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में है, तो आप दोस्तों इसे देखकर जरूर लीजिएगा। और दोस्तों ये सस्ता वाला जो मिल रहा है अगर आपको बिग बिलियन डेस्क में मिलता है तो अलग बात है, नहीं तो दोस्तों ये इसकी कीमत इतनी नहीं है, ये कम से कम आपको दोस्तों 800 या 800 से ज्यादा का ही पड़ेगा। तो दोस्तों वही आप लें, अच्छी किसी लिंक से लें, अभी दोस्तों जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल नकली प्रोडक्ट है एकदम। तो मैं इसे रिटर्न करने वाला हूं फ्लिपकार्ट का। तो दोस्तों यहां पर आपको यही जानकारी मैं देने वाला था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।